Hi everybody, welcome to Vaishayas. This is Pranay and uh, uh, we are going to continue a brief history of modern India, the Spectrum book in uh, Hindi. So, start करने से पहले मैं आपसे request करता हूँ कि please आप इस video को like कीजिए, comment कीजिए और please अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और please अगर आपको कुछ भी ज़रूरत हो, किसी भी course की ज़रूरत हो या कोई भी query हो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे रीच कीजिए देखिए आपको लाइक करना कमेंट करना मे भी आपके लिए दो सेकंड लगेंगे बट हम जितनी मेहनत करते हैं इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी हमें हमें काफ़ी इंक्रेजमेंट मिलेगा तो आ, हम लोग यूनिट टू तो जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया इसका ये दूसरा क्लास है ठीक है तो चैप्टर थी एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट चैप्टर इफ यू हैव नॉट अटेंडेड द फर्स्ट चैप्टर प्लीज सी दी वीडियो प्रीवियसली अपलोडेड दैन दिस ठीक है तो वी विल कंटिन्यू तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो पोर्टगीज आए थे तो उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया था और डच आए थे उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया था क्या क्या मेजर चेंजेस थे तो अभी हम लोग देखेंगे जो अंग्रेज़ थे जो इंग्लिश थे जिन्होंने मेजर पावर इस्टेब्लिश किया था इंडिया में और बाकी जैसे कि फ़्रेंच हैं वो सब कुछ आगे आके देखेंगे सो वी विल स्टार्ट विद द इंग्लिश तो ये शुरुआत हुई थी चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन ठीक है ये जो, जो चार्टर था उन्होंने जो आ, चार्टर इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ ऑफिशियल ऑर्डर बेसिकली ठीक है तो तो फ्रांसिस ड्रेक वो अराउंड द वर्ल्ड इन 1580 एटी एंड द इंग्लिश विक्ट्री ओवर द स्पेनिश हरमड़ा इन 1588 एट, ये दो जो चीज़ें हैं वो ब्रिटिशर्स को एक अलग तरीके का एक आ, एडवेंचरस uh, और क्या बोल सकते हैं जैसे कि एक्सपेंशनिस्ट वे ऑफ थिंकिंग में डाला था ठीक है तो इसके थ्रू काफ़ी प्रॉफिट्स एंड uh, जनरेट हुए थे और ऊपर से इसी समय पे जो पोर्तज़ के जो आइटम्स लाइक जो पोर्तज़ जो आके जो आइटम्स लेके जाके बेच रहे थे उसके बारे में भी काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है पता चल रही थी तो इस वजह से जो इंग्लिश ट्रेडर्स हैं उनको यही चीज वो भी करेंगे हम लोग भी हम लोग भी लेके जाके आ, सामान ले आके बेचेंगे और ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएंगे रादर देन जो इंग्लिश मिडिल मैन हैं उन सबको देने के बजाय तो ये जो इंटरेस्ट इनमें भी जगी थी ये वन ऑफ द मेजर रीज़न था आ, इंग्लिश लोगों का इंडिया के ऊपर नजर आने का ठीक है इन फिफ्टीन नाइनटी नाइन ए ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स कॉलिंग दमजल्स एज द मर्चेंट एडवेंचरर्स फॉर्म डे कंपनी फिफ्टीन नाइन्टी नाइन में ठीक है मर्चेंट एडवेंचरर्स बुलाते थे खुद को उन्होंने कंपनी स्टार्ट की दिसंबर थर्टी सिक्सटीन हंड्रेड में क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर इशू किया एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स टू द कंपनी कि हाँ भाई यही कंपनी ट्रेडिंग राइट्स रखती है यही कंपनी ट्रेड कर सकती है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ लंडन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज उसका नाम रखा गया मोनोपोली दी गई थी पंद्रह साल के लिए उसके बाद सिक्सटीन नाइन में उसको इंडिफिनेटली एक्सटेंड कर दिया गया एक नए चार्टर के थ्रू उसके बाद डच वर ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द ईस्ट इंडीज द इंग्लिश टर्न टू इंडिया ठीक है इससे पहले ईस्ट इंडीज की तरफ था तो अब डच का पहले ही प्रभाव था ईस्ट इंडीज़ की तरफ इसीलिए इंग्लिश इंडिया की तरफ बढ़ा किस चीज़ के लिए टेक्सटाइल्स एंड अदर कमोडिटीज ऑफ ट्रेड स्पेसिफिकली एक तो कॉटन टेक्सटाइल एंड सिल्क टेक्सटाइल जो है इंडिया का बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का रहता था उस टाइम पे और स्पाइसेस uh, हो गए uh, बाकी की चीज़ें हो गई जैसे कि ऑयल्स हो गए इवन दे यूज़ टू ट्रेड फॉर प्रीशियस स्टोन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है तो ये शुरुआत कैसे हुई क्या हुआ देखिए पहले ज्यादा वेस्टर्न साउथ ठीक है कैप्टन हॉकिंग्स अराइव्ड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन सिक्सटीन नॉट नाइन ठीक है बट द मिशन टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत डिन सक्सीड ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम द पोर्टुगीज एंड हॉकिंग्स लेफ्ट एंड सिक्सटीन इलेवन अब हम लोगों ने इससे पहले जो क्लास अटेंड करी थी उसमें हम लोगों ने बताया था कैप्टन हॉकिंग्स आए थे जहांगीर के इसमें और काफ़ी इंप्रेस हुए थे बट उस टाइम पे जो सूरत में उन्होंने फैक्ट्री बनाने का प्रपोजल रखा था वो पोर्टगीज़ के जो आ, लोग थे उस टाइम पे काफ़ी अपोज किए क्योंकि अगर ये लोग आ गए तो दे विल यू नो ऑटोमेटिकली कट डाउन दे देर ओन बिजनेस तो उसी वजह से कट डाउन किया फिर ऊपर से उसी टाइम पे ये ब्रिटिशर्स के जो आ, आ, शिप्स थे बेसिकली वो आ, रोके गए थे पोर्टगीज के द्वारा उस टाइम पे ये जो हॉकिस है वो आ, वापस भाग के गए थे आगरा छोड़ के आ, इन लोगों को बचाने के चक्कर में तो वहाँ पे ये चीज़ हुई थी उस टाइम में ठीक है 1611 इलेवन द इंग्लिश हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग एट मसूलीप्टनम ऑन दी सदर्न ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड लेटर एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री देर इन सिक्सटीन इलेवन तो मसूलीप्टनम में स्टार्ट किया था सिक्सटीन इलेवन में सूरत में सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं हुआ था तो सिक्सटीन इलेवन में मसूलीप्टनम आंध्रा में है ठीक है वहाँ पे एक सिक्सटीन सिक्सटीन में वहीं पे एक फैक्ट्री स्टार्ट किया सिक्सटीन कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड द पोर्टुगीज इन द सी ऑफ सूरत एंड इम्प्रेस जांग ग्रांटेड परमिशन टू इंग्लिश इन एर्ली सिक्सटीन थर्टीन टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत अंदर थॉमस अल्डवर्थ ठीक है सिक्सटीन थर्टी में परमिशन <coughs> दिया गया फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में ठीक है किसके अंडर थॉमस आल्डवर्थ 1615 सर थॉमस रो केम एज एन एक्रेडिटेड एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर ये थॉमस रो जो हैं ये जेम्स वन के जो किंग थे वहाँ के उनके राजदूत बन के जहांगीर के जो कोर्ट में उनके राजदूत बन के आए थे ठीक है स्टेइंग ऑन देअ टिल फेब्रवरी सिक्सटीन ऑलमोस्ट चार साल दो ही वॉज अनसक्सेसफुल इन कंक्लूडिंग ए कमर्शियल ट्रिटी विद द मुगल एम्पायर ही वॉज एबल टू सिक्योर ए नंबर ऑफ़ प्रिविलेज तो काफ़ी सारे प्रिविलेजेस पाए बट देखो कमर्शियल ट्रीटी उन लोगों का जो प्लान था जो टैक्सलेस वो हो गया या ये हो गया जैसे कि टोल वो लोग जो कलेक्ट करते थे कस्टम्स कलेक्ट करते थे तो वो सब कुछ पे करने की कोशिश कर रही थी बट वो ढंग से नहीं हो पाए बट काफ़ी सारे प्रिविलेज़ मिले और परमिशंस मिली आगरा अहमदाबाद और ब्रोच में सेटअप करने के लिए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए द इंग्लिश कंपनी डिड नॉट हैव ए स्मूथ प्रोग्रेस स्टार्टिंग में काफ़ी सारी दिक्कतें उनको भी झेलनी पड़ी थी स्पेसिफिकली पोर्टगीज़ और डच का जो प्रभाव था वहाँ पे पोर्टगीज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे पोर्टगीज़ के बाद में काफ़ी डच वालों ने भी काफ़ी कोशिश करी थी एस्टैब्लिश होने के लिए बट धीरे धीरे सिचुएशंस के हिसाब से ब्रिटिशर्स अपने हिसाब से बदलते गए बॉम्बे हैड बिन गिफ्टेड टू किंग चार्ल्स बाय द किंग ऑफ पोर्टुगल वहाँ पे किंग ऑफ पोर्टुगल की जो बेटी थी कैथरीन uh, जिसका नाम था उसकी शादी हुई थी किंग चार्ल्स टू ठीक है ठीक है उसके uh, डोरी के uh, वे में उनको दिया गया था सिक्सटीन में तो बॉम्बे वॉज गिवन टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन एन एनुअल पेमेंट ऑफ टेन पाउंड ओनली इन सिक्सटीन सिक्सटी एट तो छः सात साल के बाद ये बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी या इसी को दे दिया गया एक टेन पाउंड सालाना रेंट मान लो ठीक है रेंट टाइप ऑफ उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया अब ये जो बॉम्बे हुआ ये हेडक्वाटर्स बन गया ठीक है बाई शिफ्टिंग सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेजिडेंसी फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे इन सिक्सटीन एटी सेवन ठीक है सिक्सटीन एटी सेवन में बॉम्बे एक हेड क्वार्टर बन गया सो देर वॉज टेसिट पीस बिटवीन इंग्लिश एंड द पोर्टीज ना तो पोर्टगीज का जो सूरत में जो चीज़ें थी अब इंग्लिश तो अपना हेडक्वार्टर बदल दिया तो ऑटोमेटिकली पोर्टगीज़ के ऊपर जो टेंशनस थी वो कम हो गई और पोर्टीज़ ने भी छेड़ना बंद कर दिया ऊपर से एंग्लो डच डच जो इंग्लिश और डच के बीच में जो सिचुएशंस थी वो भी काफ़ी ख़राब थी बट डच आ नॉट टू इंटरफियर विद द इंग्लिश कंपनीज ट्रेड इन इंडिया दस इंग्लिश वर रेड ऑफ टू आर्च राइवल्स इन इंडिया ठीक है ऐसे वो बाद में एक कॉम्प्रोमाइज बन गया कि डच इंग्लिश के ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होएगा इंटरफियर नहीं होएगा द इंग्लिश कंपनीज़ पोजिशन वॉज इम्प्रूव बाई दोल्ड एंड फरमान जिसको वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक माना जाता है वो इस सिचुएशन से इंग्लिश uh, की जो पोजीशन थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई जो सुल्तान ऑफ़ गोलकोंडा 1632 में दिया था तो यहाँ पे 500 हंड्रेड से ईयर द एंड द प्रिविलेज ऑफ़ ट्रेडिंग फ्रीली इन द पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा ठीक है तो 500 सौ देने के बाद आराम से फ्री में अब ना कस्टम पे करो ना टोल पे करो किसी को कुछ भी मत पे करो मेम्बर ऑफ द मसूली काउंसिल ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे ओके okay, इन 1639 रिसीव्ड फ्रॉम द रूलर ऑफ चंद्रगिरी ठीक है रूलर ऑफ चंद्रगिरी परमिशन टू बिल्ड अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री एट मद्रास अब देखिए इससे पहले बॉम्बे हो गया ठीक है अब यहाँ पे गोलकोंडा का परमिशन हो गया अब आया फैक्ट्री मद्रास में बनाने के लिए उसको जो बोला गया फोर्ट सेंट जॉर्ज ठीक है

अब बंगाल में बंगाल वॉज देन अ लार्ज एंड रिच प्रोविंस इन इंडिया एडवांस्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स बाकी के जो सिचुएशंस को कंपेयर किया जाए तो बंगाल बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिश्ड था वहाँ पे लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे थे और जो कॉमर्स था जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी फास्ट पेस पे थी उस टाइम पे बंगाल की कमर्शियल एंड पोलिटिकल कंट्रोल ओवर बंगाल नेचुरली अपेयर्ड एंड अट्रैक्टिव प्रपोजिशन टू द प्रॉफिट सीकिंग तो देखिए इंग्लिश वालों को एट द एंड ऑफ द डे दे वांटेड टू मेक मनी आउट ऑफ इट वो जो रूल किए या वो जो बिजनेस किए या जो भी किए दे वांटेड जस्ट मेकिंग मनी तो बंगाल को जो देखा बंगाल ऑलरेडी प्रॉस्परस था काफ़ी पैसे वाले लोग थे वहाँ पे, बिजनेस काफ़ी ऊपर हायर स्टेज पे था तो ऑटोमेटिकली दे वांटेड टू गो देर ओके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द मुगल एम्पायर उस टाइम पे मुगल एम्पायर का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था उस टाइम पर बंगाल में जो मुगल एम्पायर था वो वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट माना जाता था उस टाइम पर शाह सुजा द सुबादार आर द गवर्नर ऑफ़ बंगाल इन सिक्सटीन फिफ्टी वन अलाउड द इंग्लिश टू तो ट्रेड इन बंगाल इन रिटर्न ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ थ्री थाउजेंड रुपीज़ इन ल्यू ऑफ ऑल ड्यूटीज़ तो इससे पहले जैसे कि गोलकोंडा के राजा ने दे दिया अब शाह शाहुजा जो गवर्नर थे बंगाल के सिक्सटीन फिफ्टी वन में एक इन्होंने भी अलाउ कर दिया एनुअली थ्री थाउजेंड रुपीज़ पे कर दो और कुछ भी कर लो आप मतलब एवरी थिंग इज़ फ्री ऑल द ड्यूटीज आर लेविड ऑफ कस्टम ड्यूटी हो गया कुछ भी हो गया फैक्ट्रीज इन बंगाल वर स्टार्टेड एट हुगली 1651 एंड अदर प्लेसेस लाइक कासिम बाज़ार पटना राजमहल ठीक है बंगाल में जो हुगली थी उसके बाद कासिम बाज़ार हुआ पटना हुआ राजमहल हुआ यहाँ पे फैक्ट्री शुरू हो गई ठीक है यहाँ पे जितनी प्रिविलेजेस थी कंपनीज बिजनेस वॉज नाउ एंड देन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द कस्टम्स ऑफिसर्स इन द लोकल चेक पोस्ट हु आस्क फॉर पेमेंट्स ऑफ टोल्स देखिए उनके पास जो प्रिविलेजेस थी वो मिल गई बट जो लोअर लेवल पे जो नीचे के लेवल पे जैसे कि वो टोल्स हो गए या कुछ और इश्यूज़ हो गए वहाँ पे उनको पे करना ही पड़ता था कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता ही था ठीक है और ये जो चेंज्ड पॉलिसीज हुई हैं अभी जो चीज़ें हुई हैं वो कंपनी अपना जो हुगली का सेटलमेंट है वहाँ पे फोर्टिफाई करना चाहता था कब कब ज़रूरत पड़े कब लोगों की ज़रूरत पड़े एक छोटा मोटा एक आर्मी बना के मैं रख लूंगा करके उस टाइम पे थॉट था विलियम द फर्स्ट एजेंट एंड द गवर्नर ऑफ द कंपनी इन बंगाल अपील टू शाइस्ता खान द मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल इन अगस्त 1682 फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवियंस एज नथिंग केम आउट ऑफ द अपील हॉस्टिलिटीज़ ब्रोक आउट बिटवीन इंग्लिश एंड द मुगल्स यहाँ पे इन्होंने रखा प्रपोज़ल रखा उनसे कोई अपील नहीं आई उनसे कोई जवाब नहीं आया तो सिचुएशन मुगल और इंग्लिश के बीच में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी फोर इयर्स लेटर हुगली वेस्ट एक्ट बाय द इम्पीरियल मुगल्स इन अक्टूबर 1686 1686 अक्टूबर में मुगल्स ने कब्ज़ा कर लिया तो इंग्लिश ने रिटेलिएट किया बाई कैप्चरिंग इम्पीरियल थाना मॉडर्न गार्डन रीच रेडिंग हिजली इन ईस्ट मिदनापुर एंड स्टॉर्मिंग दी मुगल फोर्टिफिकेशन एट बालासोर अब ये लोग उल्टा लड़ने लग गए बालोसोर के जो फोर्टिफिकेशंस से ठीक है ये जो थाना है और हिजली है ईस्ट मिदनापुर में यहाँ पर लड़ने लग गए इंग्लिश वर फोर्स टू लीव हो गली ठीक है एंड सेंट टू एन अनहेल्दी लोकेशन एट द माउथ ऑफ रिवर गंगा तो जो हुगली जो बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन थी वहाँ से भगा दिए गए और कोई रिवर गंगा के पास एक अनहेल्दी लोकेशन पे आ गिरे आफ्टर द मुगल रेड ऑन द हुगली जॉब चारनॉक ए कंपनी एजेंट स्टार्टेड नेगोशिएशन विद द मुगल सो हैज टू रिटर्न टू प्लेस कर्ल्ड सुतन ठीक है चारनॉक साइंड ए ट्रीटी With the Mughals in February 1690 and returned to Sutanuti in. अगस्त सिक्सटीन नाइनटी तो सिक्सटीन नाइन्टी में वापस सूतानोटी पहुंच गए दस एंड इंग्लिश फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश ऑन फेब्रवरी टिक्सटीन नाइनटी वन द डेन इंपीरियल फार्म वॉज इशूड परमिटिंग द इंग्लिश टू कंटिन्यू कंटिनली द ट्रेड इन बंगाल ऑन पेमेंट ऑफ थ्री थाउजेंड ए ईयर इन ल्यू ऑफ ऑल ड्यूटी सेम सिचुएशन इससे पहले भी थ्री थ्री थाउजेंड रुपीज ही था ट्रेड करने के लिए फिर से सेम सिचुएशन ए जमींदार इन द दर्धमान डिस्ट्रिक्ट शोभा सिंह रिबेल्ड Subsequently giving the English the pretext they were looking for to fortify their settlement at सुल्तानुटी in 1696. तो ये जो बर्दामान डिस्ट्रिक्ट में एक जमींदार था शोभा सिंह वो रिबेल किया जिसके वजह से ये लोग जो मौका ढूंढ रहे थे सुल्तान को जो फोर्टिफाई करने का कि हाँ पे हम पे अटैक हो सकता है हम हमारे पास कोई लोग नहीं है सोल्जर्स नहीं है म, आ, मारने के लिए ठीक है तो ये एक बहाना मिला उनको ये जो शोभा सिंह है जो रिबेल किया उसके चक्कर में इनको बहाना मिला फोर्टिफाई करने के लिए तो इन लोगों ने क्या किया जाके फिर से परमिशन के लिए अप्लाई किया 1698 में इनको परमिशन मिला जमींदारी लेने का तीन विलेजेस का एक हुआ सुल्तानुटी गोविंदपुर और कलिकत्ता यही मिल बने थे कोलकाता ठीक है फ्राम देयर ओनर्स ऑन द पेमेंट ऑफ रुपीज़ टूपीज देके वो जो जमींदारी थी वो खरीद ली सूतानूटी गोविंदापुर एंड कालीकत्ता ठीक है दोर्टीफाइड सेटलमेंट वॉज नेम एज फोर्ट विलियम इसी को नाम दिया गया फोर्ट विलियम ठीक है तो इससे पहले फोर्ट जॉर्ज था वो कहाँ पे और ये फोर्ट विलियम कहाँ पे? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फिल्म में ऑलरेडी पूछा जा चुका है तो आप ये ध्यान रखना दर सेवनटीन हंड्रेड वेन ऑल्सो बिकेम सीट ऑफ ईस्टर्न प्रेजिडेंसी कैलकाटा विथ सर चार्ल्स आयर एज इट्स फर्स्ट प्रेजिडेंट ये एक प्रेसिडेंसी बन गई ठीक है उसके बाद है फारूक सियाज का फरमान ये जो ब्रिटिश का जो रूल एस्टैब्लिश हुआ है उसका वन ऑफ द मोस्ट ब्लंडर माना जाता है इसको वन ऑफ द मोस्ट ब्लंडर मतलब ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक माना जाता है जो ब्रिटिश को एस्टैब्लिश होने में मदद किया सिक्सटीन सेवनटीन फिफ्टीन इंग्लिश मिशन लेड बाय जॉन सुरमान टू द कोर्ट ऑफ द मुगल एम्प्रायर फारूक शेयर सिक्योर्ड थ्री फेमस फर्मान्स गिविंग द कंपनी मेनी वैल्यूएबल प्रिवलेजेस इन बेंगल ठीक है थ्री फेमस फार्मान्स ठीक है और गुजरात एंड हैदराबाद ठीक है द फार्मान्स दस ओपटेंड व रिगार्डेड एज मैगना कार्ट ऑफ द कंपनी ठीक है वो प्लेट पर रखा दिया मान लो ठीक है लिटरली इट वॉज जस्ट सर्ड इन ए प्लेट काइंड ऑफ ए थिंग ठीक है एंड दिस इज मिस्टर फारूख शेयर टर्म्स क्या थे इन बंगाल द कंपनीज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वर एग्जेप्ट फ्रॉम एडिशनल कस्टम्स ड्यूटीज एक्स एक्सपेक्टिंग द एनुअल पेमेंट ऑफ थ्री थाउजेंड रुपीज़ एज सेटल्ड अर्लियर ठीक है तो जो थ्री थाउजेंड रुपीज़ पे कर रहे हो उससे ज़्यादा कोई और एडिशनल कस्टम टैक्स नहीं लगेगा द कंपनी वॉज परमिटेड टू इश्यू दस्तक पासिस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो टोल्स पे करते थे वो पे करने की ज़रूरत नहीं है अब ये जो दस्तक है ये जो पास है उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं कंपनी वॉज परमिटेड टू रेंट मोर लैंडस अराउंड कलकत्ता तो मोर और लेस कलकत्ता ऑलरेडी इन्हीं का था और ऊपर से इसके और आसपास और एक्सपेंशन करने की बात आ रही है। हैदराबाद में रिटेन इट्स एग्जिस्टिंग प्रिविलेज ऑफ फ्रीडम फ्रॉम ड्यूटीज इन ट्रेड एंड हैड टू पे द प्रिवेलिंग रेंट ओनली फॉर मद्रास ठीक है तो ओनली मद्रास के लिए ही रेंट पे करना था इवन हैदराबाद के लिए रेंट पे पे करने की जरूरत नहीं थी सूरत में एनुअल पेमेंट ऑफ टेन थाउजेंड रुपीज द ईस्ट इंडिया कंपनी वेज एक्जेंटल फ्रॉम रिव्यू ऑफ लिविंग ऑफ ऑल ड्यूटीज देखिए यहाँ पे बस दस हजार पे कर दो साल भर कुछ भी कर लो आप कितने बार भी कुछ भी सामान लेके जाओ कुछ भी कस्टम कोई इशू नहीं रहेगा इट वॉज डिक्रीट दैट कॉइंस ऑफ द कंपनी मिंटेड एट बॉम्बे वर टू हैव करेंसी थ्रू आउट द मुगल एम्पायर देखिए यहाँ पे एक पैरल गवर्नमेंट बन रही है ठीक है मुगल का एक गवर्नमेंट है उनके एक कॉइन्स है सब कुछ है बट यहाँ पे कंपनी खुद का मिंट करने की बात आ रही है बॉम्बे में विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट ब्लंडर थिंग तो ये जो फरमान था ये बहुत बड़ा ब्लंडर था ठीक है अपेरेंटली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू अर्न अ नंबर ऑफ ट्रेडिंग कंसेशन इन बंगाल फ्रॉम द मुगल अथॉरिटी बाई मीन ऑफ फ्लैटरी एंड डिप्लोमेसी गए गिफ्ट्स दिए उसको कुछ आ, ग्रीड दिखाया कि भाई हम लोग ये करेंगे तो तुम्हें ये मिलेगा तुम तुम ये कर सकते हो एंड ऑल और यू नो इस चीज़ों के द्वारा उन्होंने कर लिया बट द इंग्लिश हैड टू वैंकविच द फ्रेंच बिफोर दे कुड बी बीरियड ऑफ कम्पिटिटर्स एंड एस्टैब्लिश देयर कंप्लीट वे ओवर द इंडिया उस टाइम पे जो फ्रेंच का था वो इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा था स्पेसिफिकली द मालाबार कोस्ट एंड अदर रीजन मालाबार कोस्ट और पार्ट एंड सम पार्ट ऑफ द बंगाल ठीक है तो उस टाइम पे फ्रेंच को कम्प्लीटली दूर करना था ये जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको और आगे बढ़ने के लिए ठीक है तो उसी टाइम पे दो इंग्लिश की कंपनीज बनी थी ठीक है इंग्लिश रेवोल्यूशन ऑफ 1688 एटी एट दिग्स विद देयर इन एनहैंसड इन्फ्लुंस अपोज द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी पे मोनोपोली थी जो इन्फिनी मोनोपोली थी तो वहाँ पर लड़के सर विलियम नॉरिस करके जो हैं वो कोर्ट ऑफ पे पहुंचे और ग्रेड खुद के लिए ट्रेडिंग प्रिवलेजेस लिए ठीक है नए कंपनी हाउ एवर प्रूवड अ फेल जो नया कंपनी था वो फेल हुआ बेमतलब का निकला क्योंकि क्राउन से बहुत ज़्यादा प्रेशर था और पार्लियामेंट का भी ज़्यादा प्रेशर था तो दोनों कंपनीज़ को मिला दिया गया सेवनटीन नॉट एट में ठीक है अंडर द टाइटल ऑफ यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लिश इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज ओके यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज दिस वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम सेवेंटीन नॉट एट टू एटीन सेवेंटी थ्री विच हैजू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पोलिटिकल पावर इन इंडिया ठीक है तो यहाँ तक हुआ इंग्लिश next I french people. although the french harbored a wish to engage in the commerce of the east since the opening years of 16th century, their appearance of the indian coast was late. the french were the last europeans to come to india with the purpose of the trade. ठीक है उनका लास्ट पहुंच है वो आ, जो ट्रेड करना चाहते थे वो लास्ट यूरोपियंस थे कौन थे फ्रेंच ड्यूरिंग द रीन ऑफ लुइस फोर्टीन द किंग्स फेमस मिनिस्टर कॉलबर्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ कंपेने दिस इंडीज ओरिएंटलिस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ओके इन 1664 इन विच द किंग आल्सो टुक ए डीप इंटरेस्ट ठीक है यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स का जो था उसमें क्वीन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था बट यहाँ पे किंग का बहुत बड़ा रोल है किंग का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना चल रहा है तो मोर और लेस जो किंग की जो डिपेंडेंसी है इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है ठीक है दम कंपनी डज इंडिस ओरिएंटल इज वज ग्रांटेड फिफ्टी ईयर मोनोपोली ऑन फ्रेंच ट्रेड इन इंडियन एंड पैसिफिक ओशन ठीक है फिफ्टी ईयर का मोनोपोली दिया गया इस

जो अफ्रीका के वेरी नियर बाई है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं फ्रेंच की बेसिकली और बहुत सारे रिसोर्सेज मैन पावर पैसे बहुत सारे लगाए फ्रेंच वालों ने ठीक है देन इन सिक्सटीन सिक्सटी सेवन फ्रैंकवाइस कैरन हैडेड एन एक्सपेडिशन टू इंडिया सेटिंग फैक्ट्री इन सूरत सिक्सटीन सिक्सटी सेवन में पहुँचे इंडिया को जब सूरत में उन्होंने एक फैक्ट्री स्टार्ट करी ठीक है मेरकारा परिशियन हुआ कंपनी कैरन फाउंडेड अनदर फ्रेंच फैक्ट्री इन मसूलीप्टनम ये जो मेरकारा है ये परिशियन है ये आया था फ्रेंकॉइज कैरन के साथ जिन्होंने मसूलीप्टनम में एक फ्रेंच फैक्ट्री स्टार्ट की 1669 आफ्टर ओपटेनिंग ए पेटेंट फ्रॉम सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ठीक है ये सुल्तान ऑफ गोलकोंडा से पेटेंट लेके 1669 में स्टार्ट किया था ठीक है इन 1673 सेवेंटी थ्री फ्रेंच ऑफ अ परमिशन फ्रॉम शाइस्ता खान द मुगल सुवादर ऑफ बंगाल टू एस्टैब्लिश अ टाउनशिप एंड चंद्रनागोर नियर कलकत्ता अब ये बंगाल nah, पे भी पहुंच गए ठीक है अब ये देखो यहाँ पे सूरत था यहाँ पे मसूली पट्टनम राइट right? एंड यहाँ पे नियर कलकत्ता ठीक है चंद्रनागोर नियर कलकत्ता पाण्डीचेरी जो एक्चुअल फ्रेंच कैपिटल माना गया वो कहाँ से है 1673 में शेर खान लोधी द गवर्नर ऑफ वलीकोंडापुरम अंडर द बीजापुर सुल्तान ग्रांटेड फ्रैंक्वाइज मार्टिन द डायरेक्टर ऑफ मसूलीप्टनम फैक्ट्री ठीक है ए साइट फॉर अ सेटलमेंट ये जो फ्रैंक्वाइज मार्टिन है वो डायरेक्टर था मसूलीप्टनम फैक्ट्री के बिकॉज ही ओनली स्टार्टेड एट दैट टाइम उसको एक सेटलमेंट के लिए लोकेशन दे दिया जिसका नाम पौंडीचेरी था it was founded in 1674. okay. in the same year, francois martin replaced karen as the french governor. okay. francois martin replaces karen as the french governor. okay. the french company established its factories in other parts of india also, particularly in the coastal regions. Mahe, Karaikal, Balasore, Kasim Bazar were a few important trading centers of French East India Company. After taking charge of Pondicherry, 1674, Francois Martin developed it as a place of importance. Okay, it was indeed the stronghold of French in India. So तो, Pondicherry. को जब से चार्ज लिया 1674 तब इसका एक्चुअल डेवलपमेंट हुआ और बहुत ज़्यादा ठीक है but

तो ये जो आ, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में जो अलायंसेस थे रेवोल्यूशन ऑफ 1688 के उसके चक्कर में डच ने पॉन्डिचरी कैप्चर किया ठीक है ऑल द ट्रीटी ऑफ रिश्विक कंक्लूडेड इन सितंबर 1697 रिस्टोर्ड पॉन्डिचरी टू द फ्रेंच डच गैरिसन हेल्ड ऑन इट फॉर टू मोर ईयर्स डच का जो ट्रीटी ऑफ रिश्विक है उसके बाद भी दो साल वो खुद के पास ही रखे वो पॉण्डिचेरी को वापस नहीं दिया अंडर फ्रेंकवाइज मॉटिन एबल गाइडेंस पॉन्डिचेरी फ्लोरिज एंड टर्न आउट टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट ऑफ फ्रेंच इन इंडिया ओके अगेन देर वॉज अ बैड टर्न इन ऑफ इन इंडिया ऑफ वार्पेश सक्सेशन आउट इन यूरोप ठीक है कंसिक्वेंट टू दिस दे हैड टू अबैंड इन देअ फैक्ट्रीज एज सूरत मसूलीपटनम एन बनताम इन दी अर्ली एटीन सेंचुरी तो ये जो फैक्ट्रीज थे सूरत में मसूलीपट्टम में और बनताम में उनको उनमें छोड़ना पड़ा था ठीक है तो फ्रेंच इन इंडिया हैड अंदर बैक वन फ्रेंकोइस मार्टिन डाइडन क्योंकि फ्रेंकोइस मार्टिन जो थे वो काफ़ी एबल्ड इंसान थे काफ़ी फ्यूचर विजन रखते हुए फ्रेंच को काफ़ी आगे बढ़ाया था बट वो सेवनटीन नाट सिक्स में मर गए उसके वजह से वो भी एक काफ़ी बड़ा झटका लगा उसके बाद फ्रेंच कंपनी को रिऑर्गनाइज किया ठीक है सेवनटीन ट्वेंटी में रिऑर्गेनाइज पेपचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज विच रिवेड इट्स स्ट्रेंथ दिस वॉज फर्दर एनहस बाई स्टीवर्डशिप ऑफ टू एक्टिव वाइस गवर्नर्स लेनायर एंड दुमास बिटवीन सेवनटीन ट्वेंटी एंड सेवनटीन फोर्टी टू दी फ्रेंच इंडिया वॉज बैग्ड बाई फ्रेंच पोजिशन्स ऑफ मॉरिशियस एंड रीयूनियन इन ददर्न इंडियन ओशन ठीक है जो इंडिया में पोजिशन्स थे वो उनको भी सपोर्ट कहाँ से मिली थी मॉरिशियस और रीयूनियन आइलैंड्स जो थे इंडियन ओशन में उससे भी काफ़ी सपोर्ट मिली ठीक है बट जो इंडिया और फ्रेंच के बीच में जो राइवलरी थी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी तीन वॉर्स हुए थे द कर्नाटिक वॉर्स ठीक है तो वहां से जो फ्रेंच है वो लेस खत्म हो गया और इंग्लिश बिकेम सोल थिंग ओके तो हुआ क्या ब्रिटिश एंड द फ्रेंच केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस दे वर अल्टीमेटली ड्रॉन इन टू पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया देखिए दोनों तरफ दूसरों के मतलब जो जो नेटिव किंग्स थे उनके बीच में जो लड़ाइयाँ थी दोनों तरफ एक एक पार्ट लेने लग गए थे इंग्लिश एक तरफ फ्रेंच एक तरफ तो उस चक्कर में वो पॉलिटिकल क्वारल्स uh, uh, में पॉलिटिकल फाइट्स में अपोजिट डायरेक्शन में आने लग गए थे जिसके वजह से दे हैड देयर ओन राइवलरी ठीक है The एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया रिफ्लेक्टेड द ट्रेडिशनल राइवलरी ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज इंग्लैंड और फ्रांस दे हैड already rivalry in all the way of the history basically जो पूरा उनके जो पिछला जो history था England और France के बीच में जो relation थे वो ज़्यादा cordial नहीं थे ज़्यादा अच्छे नहीं थे और uh, हर time पर कुछ ना कुछ rivalry रहती थी ठीक है it began with the outbreak of Austrian uh, war of the succession and ended with the conclusion of seven years war ठीक है

ट थे दे वर लाइक यू नो आगे जो असफजा हैं उनकी मौत के बाद होगा क्या ठीक है उस स्पेकुलेशन में थे साउथ में कोरामंडल कोस्ट में कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था ठीक है देर वॉज रेमनेट ऑफ ओल्ड विजयनगर एम्पायर इन इंटीरियर मैसूर कोचिन एंड त्रावन कोर एंड दलाबार कोस्ट एंड इन द ईस्ट द स्मॉल स्टेट्स ऑफ मदुरा विच इज मदुरई तंजौर संजावूर and तिरचनापाली which is तिरचरापाली। The decline of Hyderabad was the signal for the end of Muslim expansionism, and the English adventurers got their plans ready. English were opportunistic, ठीक है? आवकाशवादी। तो लोग वेट कर रहे थे English की कहाँ पे एक weak point मिले और हम लोग एक ऐसा blow दे कि सब कुछ खत्म हो जाए, ठीक है? तो आया फर्स्ट कर्नाटिक वार 1740 फोर्टी टू सेवन तो बैकग्राउंड क्या था यूरोपियंस ने दिया था इसका कोरोमंडल कोस्ट पे हुआ था इसीलिए द फर्स्ट कर्नाटिक वार वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप विच वाज कॉज्ड बाय ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन तो ये जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ़ सक्सेशन जो हुआ था वहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच ऑपोजिट में थे तो उस चक्कर में वहाँ पे जो वॉर हुआ था उसी का एक एक्सटेंशन था यहाँ पे होना इमीडिएट कॉज क्या था फ्रेंच कॉन्शियस ऑफ इट्स रिलेटिविटी रिलेटिवली वीकर पोजिशन इन इंडिया डिड नॉट फेवर एन एक्सटेंशन ऑफ हॉस्टेलिटीज इन इंडिया द इंग्लिश नेवी अंडर बारनेट सीज फ्रेंडशिप्स टू प्रोवोक फ्रांस फ्रांस रिटेलिएटेड बाई सीजिंग मद्रास इन सेवनटीन फोर्टी सिक्स विद द हेल्प ऑफ फ्लीट फ्रॉम मॉरिशियस द आइल ऑफ़ फ्रांस अंडर एडमिरल ला इज द फ्रेंच गवर्नर ऑफ मॉरिशियस ठीक है दस बिगेन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर तो क्या हुआ फ्रेंच को उकसाने के लिए इंग्लिश नेवी ने जो बार्नेट थे इंग्लिश के नेवी की तरफ से उन्होंने फ्रेंच शिप्स को आ, सीज किया बेसिकली तो उस चक्कर में फ्रांस ने रिटेलिएट किया मद्रास को सीज करके जो कि उनकी एक मॉरिशस से एक फ्लीट आई थी उस उन्होंने आके सीज किया एडमिरल ला बोर्डोनिस से ठीक है जो कि फ्रेंच गवर्नर थे मॉरिशियस में ठीक है उन्होंने आके मद्रास को बेसिकली सीज किया ठीक है उस चक्कर में ये जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ हुआ ठीक है रिजल्ट क्या था 1748 में एंड हुआ एंड रिजल्ट वर ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल ठीक है ये था रिजल्ट ठीक है सिंपल क्वेश्चन आ सकता है Treaty of aix Chapel is linked with First Carnatic War, Second Carnatic War, Third Carnatic War Okay Austrian War of Succession to the conclusion Under the terms of treaty Madras were handed back to the English Okay Madras was And French in turn got their territories in North America ठीक है नॉर्थ अमेरिका में जो टेरिटरीज uh, इंग्लिश ने जो कब्जा करी थी वो फ्रेंच को वापस दे दी और इंडिया में जो मद्रास ने मद्रास को फ्रेंच ने कैप्चर किया था उसको इंग्लिश को वापस दे दिया ठीक है तो सिग्निफिकेंस क्या था फॉर द बैटल ऑफ सेंट थोम इन मद्रास ठीक है जो बैटल ऑफ सेंट थोम हुआ था मद्रास में ठीक है फ्रेंच एंड अनवरुद्दीन द नवाब ऑफ़ कर्नाटिक टू होम द इंग्लिश अपील फॉर हेल्प ठीक है फ्रेंच और अनवरुद्दीन ठीक है स्मॉल फ्रेंच आर्मी अंडर कैप्टन पैराडाइज डिफीटेड स्ट्रांग इंडियन आर्मी अंडर महफूज खान एट सेंट तो यहाँ पे एक छोटी सी फ्रेंच आर्मी जो कि कैप्टन पैराडाइज लीड कर रहे थे उन्होंने जो महफूज खान है उनकी बड़ी सी आर्मी को कंप्लीटली ख़त्म कर दिया था ठीक है थोम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर अडियर ठीक है दिस वॉज एन आई ओपनर फॉर द यूरोपियंस इन इंडिया ये क्या बताती है एक छोटा सा एक जो फ्रेंच आर्मी था एक छोटा सा कैप्टन पैराडाइज के नीचे वो एक छोटा सा आर्मी होने के बावजूद एक बड़े से आर्मी जो महफूज खान था उसके बड़े से आर्मी को हरा दिया मतलब ये कहना चाह रही है कि मुगल की जो आर्मी है वो मोरलस खोखली हो चुकी है दे आर नो वेयर कंपेरेबल और छोटी सी आर्मी जो वेल well डिसिप्लिन है और वेल well ट्रेनड है इज मच मोर हेवी एंड यू नो पावरफुल देन वेरी ह्यूज आर्मी यू नो हॉलो फ्रॉम इन साइड बेसिकली ठीक है सो दूसरा है सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 फोर्टी नाइन टू फिफ्टी बैकग्राउंड था राइवल रेन इंडिया ठीक है ड्यूप्लीक्स जो था फ्रेंच गवर्नर हु हैड सक्सेसफुली लेड द फ्रेंच फोर्सेस इन द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हॉट टू इंक्रीज हिज पावर एंड फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन साधर्न इंडिया बाय इंटरफियरिंग इन लोकल डायनास्टिक डिस्प्यूट्स टू डिफीट द इंग्लिश तो बेसिकली अभी तक जो इंग्लिश uh, बहुत ज़्यादा इंटरफियर हुआ करते थे फ्रेंच पहले ज़्यादा इंटरफियर नहीं हुआ करते थे लोकल पॉलिटिक्स वगैरह में अब बट सेकंड कर्नाटिक वॉर फर्स्ट कर्नाटक वॉर ख़त्म होने के बाद जब सेकंड कर्नाटिक वॉर आने की जो सिचुएशन थी सो पहले उन्होंने काफ़ी इंटरफेरेंस दिखाया था क्योंकि ब्रिटिश की जो इन्फ्लुएंस था वो ज़्यादा बढ़ते जा रहा था ठीक है तो इमीडिएट कॉज क्या था डेथ ऑफ निज़ाम ठीक है जो हैदराबाद के जो फाउंडर थे उनकी जो डेथ हुई रिलीज ऑफ चंदा साहिब दी सन इंड लॉफ दोस्त अली दी नवाब ऑफ कर्नाटिक बाई इन द सेम ईयर उसी साल ये मुल्क की मौत हो गई थी और चंदा साहिब पर रिलीज़ किया गया ठीक है बाय द मराठास द एक्सेशन ऑफ़ नज़ीर जंग सन ऑफ द निज़ाम टू थ्रोन ऑफ हैदराबाद वाज अपोज्ड बाय मुजफ़्फ़र जंग ठीक है ये जो नसीर जंग है निज़ाम के बेटे का उनका थ्रोन पे हैदराबाद पे हैदराबाद के थ्रोन पे बैठना मुजफ्फ़र जंग को पसंद नहीं है जो कि ग्रैंड सन था नवाब का ठीक है तो ये इन दोनों के बीच में ये लोग इन्वॉल्व हो गए थे कौन अपने फ्रेंच और इंग्लिश बेसिकली ठीक है इन द कर्नाटिक द अपॉइंटमेंट ऑफ अनवरुद्दीन खान एज नवाब वाज रीसेंटेड बाय द चंदा साहिब द फ्रेंच सपोर्टेड द क्लेम्स ऑफ मुजफ्फर जंग एंड चंदा साहिब इन डेक्कन एंड कर्नाटक रेस्पेक्टिवली वेल द इंग्लिश साइडेड विद नसीर जंग एंड तो, तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली तो फ्रेंच प्लस जंग प्लस चंदा साहिब ओके वर्सेस इंग्लिश प्लस नसीर जंग प्लस अनवरुद्दीन ओके okay? तो ये बना टीम ठीक है ये एक टीम बन गया ये एक टीम बन गया ये फ्रेंच इस तरफ और इंग्लिश uh, इस तरफ तो वॉर में क्या हुआ द कंबाइंड आर्मीज ऑफ जंग चंदा साहिब एंड द फ्रेंच डिफीटेड एंड किल्ड अनवर उद्दीन एट द बैटल ऑफ आम्बोर ठीक है बैटल ऑफ आम्बूर वेज अ पार्ट ऑफ द सेकेंड कर्नाटक वॉर नियर वेल्लोर इन सेवनटीन फोर्टी नाइन तो अनवरुद्दीन को मार दिया गया मुजफ्फर जंग चंदा साहिब और फ्रेंच वाली जो टीम थी टीम वन जो हम लोगों ने देखा मुजफ्फर जंग बिकेम द सुबादर ऑफ डेक्कन एंड डुप्लीक्स वॉज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ ऑल द मुगल टेरिटरीज टू द साउथ ऑफ़ रिवर कृष्णा ठीक है ए फ्रेंच आर्मी अंडर बसी वे स्टेशन एट हैदराबाद टू सिक्योर फ्रेंच इंटरेस्ट देर ठीक है टेरिटरीज नियर पांडिचेरी एंड ऑल्सो सम एरियाज ऑन दी उड़ीसा कोस्ट इंक्लूड मसूलीप्टनम सीडेड टू द फ्रेंच तो यहाँ पर क्या हुआ मोर और लेस फ्रेंच जीत गई ड्यूप्लिएट्स को गवर्नर का दे दिया गया रिवर कृष्णा के साउथ वर्ड्सपूरा और बसी के अंडर एक फ्रेंच आर्मी बैठी थी हैदराबाद में और पाण्डिचेरी एंड जो उड़ीसा कोस्ट के मसूलीप्टनम वगैरह थे वो सब कुछ फ्रेंच को दे दिए गए ठीक है मोहम्मद अली तिरचना बली तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो मोहम्मद अली को प्रॉपरली इंग्लिश की तरफ से जो थे मोहम्मद अली को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए ज्यादा असिस्टेंस नहीं दे पाए एजेंट ऑफ द इंग्लिश कंपनी पुट फॉरवर्ड द प्रपोजल फॉर अ डाइवर्शनरी अटैक तो उसी टाइम पे एक डाइवर्शनरी अटैक करेंगे ऑन द गवर्नर ऑफ मद्रास साउंड ठीक है ही सजेस्टेड सडन रेड ऑन द कैपिटल ऑफ कर्नाटक सो एज टू रिलीज द प्रेजर ऑन तिरचिरापली ठीक है ही रीजन दैट इन सच एन इवेंट चंदा साहेब वुड रश टू सेव हिज कैपिटल तो जो ये आर्कट है जो चंदा साहिब का कैपिटल वहाँ पर अटैक करते हैं ऑटोमेटिकली जो तिरचिरापली पे जो प्रेजर है तिरचिरापली पे जो प्रेजर है वो हट जाएगा वहाँ से नजर हट के चंदा साहिब ये अपने कैपिटल की तरफ बचाने के लिए भागेगा तो वही चीज़ अगस्त सेवनटीन फिफ्टी वन में टू तो टेन मैन Robert Clive attacked and captured Arkat. As expected, Chanda Sahib hastened uh, to his capital Taking a force of 4000 men from Trichinapalli But failed to get back to fort Even after a siege of 53 days From the September 23 to November 14 Now Mysore, Tanjor and Maratha chief Murari Rao Came to aid of Trichinapalli And of Clive and stringed Lawrence Trichinapalli was first relieved of its siege while General Law of France with Chanda Sahib remained cooped up in the island of Sri Rangam. They were forced to surrender in June 1752 when Muhammad Ali executed Chanda Sahib and the British failing to interfere. British did not interfere when Chanda Sahib was being executed. The French authorities, annoyed at the heavy financial loss that duplex policy involved, decided to recall him. इन सेवनटीन फिफ्टी फोर तो डुप्लिएक्स को वापस बुला लिया गया फ्रांस ठीक है विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ब्लेंडर ऑफ द फ्रेंच बेसिकली ठीक है डुप्लीक्स वॉज वेरीएबल्ड बट उसको वापस बुला लिया गया जिसके वजह से फ्रांस का जो इंटरेस्ट थे वो काफी डाउन हो गया गुड़े सक्सीडेड डुप्लीक्स एज ए फ्रेंच गवर्नर जनरल इन इंडिया ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा मीडिएशन या डिप्लोमेसी पे ज़्यादा बिलीव करता था एंड पॉलिसी ऑफ नेगोशिएशंस पे ज़्यादा था ठीक है तो एक ट्रीटी कंक्लूड करी नॉट टू इंटरफेयर इन द क्वारल्स ऑफ नेटिव प्रिंसेस हम लोग नेटिव प्रिंसेज जो लड़ना है लड़ना दो हम लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होएंगे ठीक है ईच पार्टी वॉज लेफ्ट इन पोजिशन ऑफ द ट्रीटीज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाई दम एट द टाइम ऑफ ट्रीटी ठीक है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस द फियर ऑफ सीरियस रिपाकर्शंस इन अमेरिका प्रॉम टी फ्रेंड्स टू सस्पेंड हॉस्टेलिटीज इन इंडिया तो जो अमेरिका में जो रिपकर्शंस थे जो जो जवाब जी दिया जा रहा था वहाँ पर जो सिचुएशंस और ख़राब होने के जो चांसेस थे उसको कट डाउन करने के लिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुए तो इम्प्लिकेशन क्या थी इट बिकेम एविडेंट दैट काउंटनेंस ऑफ इंडियन अथॉरिटी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर यूरोपियन सक्सेस तो इंडियन अथॉरिटी का जो रिक्वायरमेंट है उनकी जो एबिलिटी है इनके यूरोपियन सक्सेस में ज़रूरत नहीं है बट जो डिपेंडेंसी है इंडियन अथॉरिटी की ब्रिटिशर्स पे या किसी भी यूरोपियन पे वो ज़्यादा दिखने लगी थी मोहम्मद अली इन द कर्नाटक एंड सलाहाबाद जंग इन हैदराबाद बिकेम क्लाइंट्स रैदर देन पैटर्न ठीक है अब ब्रिटिशर्स के एक तरीके के क्लाइंट्स बन गए अब थर्ड कर्नाटिक वॉर जहाँ पे ख़त्म होने को है ठीक है इन यूरोप व्हेन ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर सेलिसिया इन 1756, द सेवन इयर्स वॉर स्टार्टेड, ठीक है सात साल वॉर उसको सेवन इयर्स वॉर बोलते ब्रिटेन एंड फ्रांस वर वंस अगेन ऑन द ऑपोजिट साइड्स इन द सेम तो हुआ क्या सेवनटीन में फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट डेल अली कैप्चर्ड द इंग्लिश फोर्ट्स ऑफ सेंट डेविड

ठीक है ऑन जनवरी एट और वंदीवासी इन तमिलनाडु जनरल आयर कूट ऑफ द इंग्लिश टोटली रूटेड फ्रेंच आर्मी अंडर काउंट थॉमस आर्दली एंड टुक बसी एज ए प्रिजनर जो बसी जो हैदराबाद में Uh, आर्मी बना के बैठा था उसको फिर प्रिजनर बना लिया पाण्डिचेरी वॉज डिफेंडेड बाई लली फॉर एट मंथ्स बिफोर ही सरेंडर ऑन जनवरी वन विद द लॉस ऑफ जिंजी एंड माहे द फ्रेंच पावर इन इंडिया वॉज रिड्यूस टू इट्स लोवेस्ट ठीक है लली आफ्टर बींग टेकन एज प्रिजनर ऑफ वॉर एट लंडन रिटर्न टू फ्रांस वेर ही वॉज इम्प्रिजेंड एंड एग्जीक्यूटेड इन सेवनटीन सिक्सटी सिक्स बिचारा सेवनटीन सिक्सटी वन में पकड़ा गया था सरेंडर कर गया लंडन भेजा गया प्र, प्रिजनर ऑफ वॉर ठीक है पी की तरह प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह बट जब फ्रांस को वापस दे दिया गया फिर से फ्रांस ने उसको जेल में रखा और उसको 1766 में मार दिया रिजल्ट एंड सिग्निफिकेंस द थर्ड कर्नाटिक वॉर प्रू डिस तो यहाँ पे मोर और लेस इंग्लिश हो गया इंग्लिश आगे बढ़ गया और फ्रांस पीछे रह गया ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पैरिस रिस्टोर्ड टू फ्रेंच देर फैक्ट्रीज इन इंडिया द फ्रेंच पोलिटिकल इन्फ्लुएंस डिस द वॉर बेसिकली देर आफ्टर द फ्रेंच लाइक देर पोर्टुगीज एंड डच काउंटर पार्ट इन इंडिया कन्फाइंड टू देर स्मॉल इंक्लेवस एंड टू कॉमर्स तो यहाँ पे जो बाकी जो सेटलमेंट्स थी वो थोड़े बहुत उनको वापस मिल गया और चुपचाप वो अपना काम पे ध्यान दे रहे थे रादर देन दूसरों के मामलों में उंगली डालना ठीक है द इंग्लिश बी केम द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन इन इंडिया सबकॉन्टिनेंट सिंस द डच हैड ऑलरेडी बीन डिफीटेड ठीक है इन दी बैटल ऑफ बिरदारा इन सेवनटीन तो डच ऑलरेडी खत्म हो चुका था सेवनटीन में ही ठीक है इन बैटल ऑफ बिदारा द बैटल ऑफ प्लासी in 1757 is usually regarded uh, by the historians as decisive event that brought about ultimate british rule over the india okay however one cannot quite ignore the view that the true turning point for control of subcontinent was विक्टरी ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस ओवर दी फ्रेंच फोर्सेस एट वैंडी वॉश इन सेवनटीन सिक्सटी तो यहाँ पे सेवनटीन सिक्सटी में जो वैंडी वॉश का जो आ, बैटल था वहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में खत्म हो चुका था ठीक है ब्रिटिश वर्स विक्टोरियस एंड और कोई कंपिटिटर ही नहीं था यूरोपियन कंट्रीज में से ब्रिटिश के खिलाफ और कोई कंपिटिटर था ही नहीं ठीक है तो रीजंस क्या थे ब्रिटिश के सक्सेस होने के और फ्रेंच के फेल्यूर होने के इंग्लिश कंपनी वॉज इट प्राइवेट इंटरप्राइज हम लोग अब इससे पहले भी बात कर चुके हैं इंग्लिश कंपनी एक प्राइवेट इंटरप्राइज है बट फ्रेंच कंपनी उसके किंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था इट वॉज अ स्टेट रिलेटेड कंपनी ठीक है ठीक है यहाँ पर क्योंकि प्राइवेट इंटरप्राइजेस था ये एक एंथुजियाजम सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल की रहती है लोगों में ठीक है और बहुत कम गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत कम रहता है और इंस्टेंट डिसीजन ले सकते हैं ठीक है और जो फ्रेंच कंपनी थी वो एक स्टेट कंसर्न कंपनी थी वो किंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होती थी ठीक है और जो पॉलिसीज़ वगैरह जो थे वो गवर्नमेंट लेती थी इंग्लिश नेवी व सुपीरियर टू फ्रेंच नेवी ठीक है और आया इंग्लिश हेल्थ थ्री इंपॉर्टेंट प्लेसेस कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास वेर एज फ्रेंच हैड ओनली पॉन्डिचेरी वो भी काफी छोटा था ठीक है द फ्रेंच सबॉर्डिनेटेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट टू टेरिटोरियल एम्बिशन विच मेड द फ्रेंच कंपनी शॉर्ट ऑफ फंड्स ठीक है ऑलरेडी जो इश्यूज़ uh, थे माड़ा का उसके चक्कर में ऑलरेडी बहुत सारा पैसा पंप हो रहा था ठीक है स्पाइट ऑफ देयर इंपीरियलिस्टिक मोटिव्स द ब्रिटिश नेवर नेगलेक्टेड देयर कमर्शियल इंटरेस्ट ठीक है उनको बढ़ना था ब्रिटिशर्स को बट उनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट था जो ट्रेडिंग था वो कभी रोका नहीं उनके जो फंड्स कभी शॉर्ट नहीं हुए बट ये जो सिचुएशन फ्रांस uh, की थी बार बार लड़ाई या बार बार जो वॉर्स uh, uh, हो रहे थे उसके चक्कर में उनके पास ऑलरेडी फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे ठीक है मेजर फैक्टर इन द सक्सेस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया व सुपीरियरिटी ऑफ द कॉमन कमांडर्स इन द ब्रिटिश कैंपर्स तो यहाँ पे जो प्रॉपर जो कमांडर्स थे ब्रिटिश कैंप में वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर था बहुत ज़्यादा लर्नड पीपल थे बहुत ज़्यादा एबल्ड पीपल थे ठीक है इंग्लिश साइड में जैसे कि सर आइयर कोट हो गए मेजर सिंजन लॉरेंस हो गए रॉबर्ट क्लाइव हो गए ऐसे बहुत सारे थे बस ड्यूप्लिएट्स ही अकेला फ्रेंच साइड पे था जिसको भी वापस बुला लिया गया था ओके okay, जिसको भी वापस बुला लिया गया था जिसके जगह पे एक इंसान आया जो नेगोशिएशंस पे बिलीव करता था ठीक है तो उसके वजह से पूरा चौपट हो गया ठीक है सो उसके बाद आए डेंस जो कि बेमतलब के लोग थे तो बस कुछ ही दिन के लिए आए फिर खत्म हो गया था उनके ठीक है द डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश इन सिक्सटीन सिक्सटीन एंडी द फाउंडेड अ फैक्ट्री एट ट्रैंकुबार नियर तंजौर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दे प्रिंसिपल सेटलमेंट वॉज सेरमपुर नियर कैलकाटा द डैनिश फैक्ट्रीज़ विच वर नॉट इम्पॉर्टेंट एट एनी टाइम वर्सउल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन एटीन फोर्टी फाइव एटीन फोर्टी फाइव में सब कुछ बेच के चले गए ठीक है द डेंस आर बेटर नोन फॉर दैन मिशनरी एक्टिविटीज दैन फॉर द कामर्स उनको मिशनरी एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था क्रिस्टियनिटी को फैलाने में ज़्यादा इंटरेस्ट था बाकी चीज़ों पर कोई इंटरेस्ट नहीं था वाई द इंग्लिश सक्सीडेड अगेन द यूरोपियन पावर्स इतने सारे यूरोपियन पावर्स आए इंग्लिश एक तरफ फ्रांस आया पोर्टुगीज आया डच आया डेंस आई ये सब लोग हार गए इस अकेले इंग्लिश से ठीक है और ऑल द यूरोपियन नेशंस हु केम एज ट्रेडर्स टू इंडिया आफ्टर न्यू सी रोड्स व डिस्कवर्ड इंग्लैंड एमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल बाई द एंड ऑफ एटीन सेंचुरी द मेजर फैक्टर्स विच कैन भी एंट्रीब्यूटेड फॉर द सक्सेस अदर यूरोपियन पावर्स आर क्या क्या हैं फैक्टर्स देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द नेचर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द ट्रेडिंग कंपनी देखिए हम लोगों ने बात करी थी जो इंग्लिश कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी थी ठीक है uh, उसके जो डिसीजंस uh, थे वो काफ़ी फास्ट हुआ करते थे बट बाकी जो फ्रांस uh, की कंपनी है वो बेसिकली एक गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी थी ठीक है ईस्ट इंग्लिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉम थ्रू अमालगमेशन ऑफ सेवरल राइवल कंपनीज एट होम कंट्रोल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स Whose members were elected annually. The shareholders of the company exercised considerable influence as the votes could be bought and sold through purchase of shares. The trading companies of France, Portugal were largely owned by the state, and the nature was in many ways feudalistic. Feudalistic in the sense Raja the major in Santa In the French company. एक share, जो एक एग्जांपल है द मोनार्क हैड मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ द शेयर ठीक है जो किंग था ठीक है और डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड थे किंग के थ्रू ही मतलब उसी के इंसान हैं ठीक है थीके? तो वही लोग वो जैसे बोलेगा वही करेंगे बट यहाँ पे इलेक्टेड थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हुज मेंबर्स वर इलेक्टेड एनुअली ठीक है तो काफ़ी डिफरेंस रहता है ठीक है नेवल सुपीरियरिटी तो ऑब्वियसली रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन वॉज नॉट ऑन द लार्जेस्ट इट वाज़ द मोस्ट एडवांस्ड ऑफ इट्स टाइम वो लार्जेस्ट भी था और सबसे ज़्यादा एडवांस था उनके टाइम पे ठीक है विक्ट्री अगेंस्ट द स्पैनिश आर्मड़ा एंड द अगेंस्ट दी फ्रेंच एट दी ट्रफालगर है रॉयल नेवी एट द पीक ऑफ द यूरोपियन नेवल फोर्सेस तो फ्रांस से भी लड़ा था ठीक है उनके जो स्पेनिश हरमाड़ा में जो विक्ट्री हुई थी सबसे ज़्यादा बेस्ट माना गया था इन इंडिया टू द ब्रिटिश आर एबल टू डिफीट द पोर्टीज जो पोर्टगीज खुद ही नेवल फोर्सेस के बहुत एडवांस्ड में थे उनको भी हराया फ्रेंच को भी हराया ड्यू टू द फास्ट मूवमेंट ऑफ द नेवल शिप्स ठीक है द इंग्लिश लर्न फ्रॉम द पोर्टगीज द इम्पोर्टेंस ऑफ एन एफिशियंट नेवी एंड इम्प्रूव देयर ओन फ्लीट टेक्नोलॉजिकली ये चीज़ भी उन्होंने पोर्टगीज से सीखी थी कि नेवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और नेवी को बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एफिशिएंट नेवी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है तीसरा है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड इन द अर्ली एर्टीन सेंचुरी विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू मशीन लाइक स्पिनिंग जैनी स्टीम इंजन पावर लूम एंड सेवरल अदर्स दीज मशीन्स ग्रेटली इंप्रूव्ड प्रोडक्शन इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल्स ठीक है तो ये जो बाकी के जो नेशंस थे उनका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वो काफ़ी बाद हुआ था क्योंकि बिकॉज ऑफ़ फंड्स हो सकता है बिकॉज ऑफ टेक्निकल रिसर्च हो सकता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो uh, हुआ था इंग्लैंड में वो काफ़ी जल्दी हुआ था और बाकी के में बहुत देर से आया था ठीक है मिलिट्री स्किल एंड डिसिप्लिन ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लेंड थे और वेल well ट्रेनड थे ठीक है कमांडर्स जो थे वो प्रॉपर स्ट्रैटेजिस्ट थे और बहुत अच्छे टैक्टिक्स और यू you नो know, बहुत ज़्यादा नए एक्सपेरिमेंटल वे में वारफेयर के बारे में जानते थे ठीक है एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स भी मिलिट्री में बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर ठीक है और दूसरी बात आती है लेसर जील फॉर रिलीजियस तो so रिलीजन जो था जो ब्रिटेन uh, के जो लोग थे जो इंग्लैंड इंग्लिश पीपल जो थे उनको जो क्रिश्चियनिटी फैलाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कंपैरिजन करो पोर्टुगल डच वगैरह के इवन डेन्स के मामले में भी ठीक है दस इट्स रूल वाज़ फार मोर एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल टू सब्जेक्ट्स देन दैट ऑफ अ कॉलोनियल पावर्स बाकी लोगों के कंपैरिजन में इनको इजीली माना जा सकता है बाकी के लोगों के द्वारा ठीक है काफ़ी स्टेबल गवर्नमेंट थी ठीक है तो एक्सेप्शन ऑफ ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ सिक्सटीन एटी एट ब्रिटेन विटनेस स्टेबल गवर्नमेंट विथ एफिशियंट मोनार्क्स ठीक है अदर नेशंस लाइक फ्रांस विटनेसड वायोलेंट रेवोल्यूशन इन सेवनटीन एटी सेवनटीन एटी नाइन एंड आफ्टर आफ्टर वर्ट दी नेपोलियनिक वार्स तो जो आ, फ्रेंच में ऑलरेडी आप लोगों ने सुना था कि बार बार कंटिन्यूसली हर वॉर में फ्रांस था हर वॉर में फ्रांस किसी ना किसी साइड ले रहा था इंग्लिश जो है ब्रिटेन के पीपल जो है वो काफ़ी एफिशिएंट थे Take Napoleon's defeat in 1815 significantly weakened France's position And from then onwards it was formed to side with the Britain The Italians got united as a nation as late in 16, 1861 Take The Dutch and Spain were also involved in 80 years wars in 17th century Which weakened Portuguese imperialism Take द डच ईस्ट इंडिया कंपनी अफेक्टेड बाई बैंक्रप्सी इन एटीन हंड्रेड कपल्ड विथ रेवल्यूशन इन एटीन थर्टी वॉज फोर्स टू सेल इट्स पोजिशन टू ब्रिटेन एंड क्विटेशिया क्विटेश देखिए मोरऑलैस क्या है जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वो काफ़ी स्टेबल थी एक तरफ काफ़ी फारसाइटेडनेस थी जो फ्यूचर में होने वाले हैं देखिए ये जो इटालियंस हो गए ये एक नेशन की तरफ़ बनने में ऑलमोस्ट एटीन सिक्सटी वन मतलब काफ़ी बाद में तो उस टाइम पे जो बाकी के जो यूरोपियन पावर्स थे वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे ना ही उनके पास उतने पैसा था ना ही उनके पास उतने लोग थे ठीक है use of debt market one of the major and innovative reason why British succeeded between 18th century and 19th century while other European nature fell that used the debt market to its fund its wars तो ये जो wars थे उस time पे इन लोगों ने debt market use किया था ठीक है तो एक तारीके के bond create किए थे वो debt bonds basically government खुद उन debt bonds को बना के बेचता था लोगों को उन्हीं का वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंट्रल बैंक बना था द बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है ठीक है उन्हीं का था उन्होंने डेप्ट बॉन्ड्स बनाए बेचे और जो इश्यूज़ थे जो वॉर्स थे उनको फंड किया ठीक है और प्रॉपर इंटरेस्ट प्रॉमिस करते हुए उन्होंने बेचा और काफ़ी सारे बिके और उन फंड्स को उन्होंने प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया ठीक है तो मिलिट्री पे टेक्नोलॉजी पे सब चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर दिया रादर देन बाकी के जो फ्रांस थे बाकी के जो कंपनीज थे बाकी के जो यूरोपियन पावर्स थे उन लोगों से ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली दे हैड एन अपर हैंड ठीक है सो so, यहीं तक था सो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छा लगा हो मुझे प्लीज़ बताइए आपको कैसा लगा आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है कुछ भी डाउट्स भी हैं आप कमेंट पे डाल सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कम लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए एक दो सेकंड लगेंगे आपको लाइक मार के कमेंट करने के लिए आप इतनी तो कंजूसी ना करें तो सही रहेगा आपके लिए ठीक है और प्लीज़ शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ ठीक है और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे और प्लीज़ आप इस नंबर पे रीच कर सकते हैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी कोर्स के बारे में ठीक है एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास फोर्थ चैप्टर ठीक है एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे